लॉकडाउन के बीच बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि चाहकर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। अच्छी खबर यह है कि देश के कई हिस्सों में कृषि कार्य फिर से आरंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी उनमें शामिल हैं। कई जगह पर फसलें तैयार हैं, उनकी कटाई शुरू हो गई है। जहाँ फसलें कट चुकी हैं उनकी बिक्री शुरू हो गई है और किसानों को बाकी तमाम सारे काम होते हैं वो सब भी अब शुरू हो गए। धीरे धीरे जो देश पटरी से उतरा था उसको पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण काल में जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लोगों की चिंता भोजन को लेकर थी और अब भी है। यकीन मानिए, इस दौरान किसी को भी मॉल, कपड़े, जिम, फैशन, मल्टीप्लेक्स, फिल्में, स्विमिंग पूल याद नहीं आया। किसी चीज़ का कोई टेंशन भी नहीं हुआ। अगर टेंशन हुआ तो अनाज का, सब्जी भाजी का, दालों का, तेल का। मतलब हम लोग जिस किसान को कमतर मानते हैं वही किसान हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी करता है। सच किसान है तो देश है। इस विषम हालात में हम अपने घर में सुरक्षित हैं क्योंकि घर के बाहर, आपके मोहल्ले में, सड़क पर पुलिस आपकी रक्षा कर रही है। सड़क पर जवान आंख गड़ाए इसलिए खड़ा है ताकि आप चैन की नींद सो सकें। तो ध्यान रखिए, जब भी भोजन करें तो किसान का शुक्रिया अदा करें, जब सोने जाएं तो हमारे जवानों का शुक्रिया अदा करें और जब चैन की बंसी बजाएं तो अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करें कि वे आपको इस दुनिया में लेके आए। अब बात दूसरी खबर की। चर्चा यह है कि शिवराज सिंह तत्काल अपने मंत्रिमंडल का गठन करना चाहते हैं। उन्होंने 12 मंत्री बनाने की तैयारी भी कर ली, 9 अपने मंत्री और 3 कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को शपथ दिलवाने का कार्यक्रम भी बना था कि सिंधिया जी बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले और तय हुआ कि 12 मंत्रियों में 6 सिंधिया समर्थक होंगे। ये हो पाता कि खबर आई पूरा मंत्रिमंडल एक साथ शपथ लेगा, पूरा मतलब 30 से ज़्यादा मंत्री। फिर इस पर भी ब्रेक लग गया। अब खबर है कि फिलहाल 12 मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी, लेकिन कब इस पर कोई फैसला फिलहाल नहीं हुआ है। इसे लेकर थोड़ा सा असमंजस है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए भी मंत्रिमंडल का गठन करना और सबको खुश रखना बहुत आसान नहीं होगा। चलने से पहले चर्चा करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उनको लेकर एक व्यंग्य खूब चर्चाओं में है। इस व्यंग की उत्पत्ति कांग्रेस के एक बुद्धिजीवी नेता ने की है और उसी नेता ने जगह जगह इस व्यंग को पहुँचाया है। व्यंग कुछ ऐसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब मोदी जी को मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी सर आपसे मिलना चाहता हूँ। मोदी, नहीं, आप मेरी बजाय अमित शाह से मिल लीजिए। सिंधिया जी अमित शाह से मुलाकात करने के लिए इजाज़त लेते हैं। अमित शाह पूछते हैं किसके लिए, तो बताते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में। अमित शाह कहते हैं आप नड्डा जी से मिल लो। सिंधिया जी नड्डा जी से मुलाकात के लिए समय चाहते हैं। नड्डा जी हाँ हाँ करते हैं और कहते हैं कि आप इस बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी से चर्चा कर लीजिए। सिंधिया जी नरेंद्र सिंह तोमर के पास पहुँचते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर उनसे कहते हैं आइए चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद सिंधिया जी मंत्रिमंडल गठन को लेकर उनसे बात करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं आप शिवराज जी से क्यों नहीं मिलते, सब उन्हीं को तो करना है। जैसे तैसे सिंधिया जी वहाँ से निकलते हैं, शिवराज जी को फ़ोन लगाते हैं, बात करते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपसे चर्चा करनी है। तो शिवराज जी कहते हैं बिल्कुल ज़रूर चर्चा कीजिए, मगर वीडी शर्मा से तो मिल लीजिए, प्रदेश के अध्यक्ष तो वही हैं, बेहतर होगा कि आप वीडी शर्मा से बातचीत करें। सिंधिया वीडी शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं, वीडी शर्मा जी से बातचीत करते हैं। वीडी शर्मा भी कहते हैं कि जरूर जरूर आप मुझसे मिलिए, मुझसे बात कीजिए, मंत्रिमंडल को लेकर बात आप करना चाहते हैं। तो सिंधिया जी कहते हैं कि बिल्कुल मैं मंत्रिमंडल को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। तो वीडी शर्मा कहते हैं सिंधिया जी अभी आप संगठन में नए हैं, संगठन में सारे निर्णय अमित शाह जी ही लेते हैं। माने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जहाँ से चले थे घूम फिर के वहीं पहुँच जाते हैं। फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।